हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है भाई, और बहुत अच्छा फील हो रहा, पता है, क्योंकि ना यार हमारे बालों की तारीफ हो रही है कि वाह प्रिंसी, क्या हेयर कट कराया है तुमने यार, ऐसी बार रखो मस्त लग रहा है। अम्मी तो भाई बार बार बोल रही है माशाल्लाह कि बहुत अच्छा लग रहा है ये हेयर स्टाइल तुम्हारा, ऐसी ऊपर रखो आप, तुम्हारा फेस दिखता है, फोरहेड दिखता है, तब मजा आता है भाई। तो हमको भी अच्छा लगता है यार, चलो ठीक है भाई, फिर ऐसे ही कुछ रखते हैं हम लोग। और अच्छा है यार, कुछ बुराई तो वैसे है नहीं उसमें, पर बाल खराब होते हैं वो मसला अलग है। तो कोई नहीं यार, अच्छी बात है, लोगों को पसंद आ रही है हमारा स्टाइल। यस भाई, तो अभी हम लोग नहा धो के तैयार शैयार हो चुके हैं, नमाज भी हो गई, सारे काम से फारिग हो गए, अब निकलते हैं बाहर। आज संडे है, वैसे कुछ काम तो है नहीं, पर फिर भी देखते हैं आज क्या होता है। यस, तो चले चलते हैं इसी के साथ साथ हमारे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। यार भाई, हम लोग गए फ्रिज खोल के देखा कि कुछ खाने के लिए होगा मीठा शीठा, तो हम लोग खा लेंगे खाने के बाद। तो वहाँ कुछ है नहीं भाई, चॉकलेट वगैरह कुछ भी नहीं होती। हाँ, मैं होता था तो चॉकलेट भर के रखी रहती थी, बिस्किट रहता था, सब कुछ रहता था, तो उसको देते रहते थे, तो उसके बहाने हम भी खाया करते थे। पर तिहामी भाई चले गए हैं अपने घर और कुछ है नहीं भाई, कोई लाता ही नहीं है कि सारे लोग लेके आते थे तिहामी के लिए, कभी ये लेके आ रहे, कभी वो लेके आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम भी खाया करते थे, पर तिहामी भाई भी है नहीं, तो कुछ भी नहीं है यार। बहुत मिस कर रहे हैं हम तिहामी को, पता है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तिहामी का कॉल आता है वीडियो कॉल पर, पता बोलता है वो कि मामू मुझे आपके पास आना है, आप कहाँ हो, आप मेरे पास आ जाओ, मुझे आपके साथ आना है। रैबी कैसा है, रैबी को पूछता है वो। तो हाँ यार, हम भी बड़ा मिस करते हैं उसे। किसी दिन वीडियो कॉल आएगा ना तो बताएंगे आप लोगों के बच्चा क्या बोलता है। यार भाई, कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आप लोगों को? कुछ भी हल्का हल्का सा कहीं पे भी शायद से आ रहा होगा, नहीं मेरे को नहीं पता। पर एक चीज़ मैंने चेंज की है, मैंने फर्स्ट टाइम अपने बालों में, बताता हूँ बाद में, अभी बाल गीले समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मतलब यहाँ पे मेरी फैमिली मेम्बर्स भी, वो लोग सुनेंगे तो अच्छा ऐसा किया है, तो मैं बता दे रहा हूँ, पहले दिखाऊंगा आप लोग को भी और उनको भी, लेकिन कुछ देर के बाद। अभी बाल गीले हैं मेरे, सूखेंगे तो खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं बाहर, हमें कुछ काम है, वो काम खत्म करके आ जाते हैं। संडे या मंडे काम होता है हमारा भाई, अच्छी बात है माशाल्लाह, काम होने चाहिए यार, वरना पता नहीं चलता सारा दिन क्या किया, पूरा दिन वेस्ट लगता है। तो काम करना बहुत जरूरी है दिन भर में। तो चलो चल जाते हैं फटाफट से, काम खत्म करके आते हैं हम लोग। भाई कैश प्रीफर करना भूल गए हम, और वहाँ पर कार्ड एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, जीपे भी एक्सेप्ट नहीं करते, ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। तो हम आए हुए थे एटीएम मशीन पर, वो एटीएम मशीन पर भाई इसमें कैश है नहीं, तो अभी वॉकिंग वॉकिंग हमको करके जाना पड़ रहा है दूसरी एटीएम मशीन के पास। तो वहाँ पर जाते हैं, विड्रॉ करते हैं और जाते हैं वापस। भाई हम बाइक लेकर नहीं आए, ऑटो से आए थे, इस वजह से पैदल जाना पड़ रहा है हमें। यार पसीने छूट गए हमारे यार यहाँ आते आते, मतलब बड़ी दूर मिला है हमें एटीएम मशीन। और अभी हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं, वापस से जाना पड़ेगा, ऑटो कर लेंगे, पर ऑटो करेंगे तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे, पर हमें पहुँचना जल्दी है। देखते हैं यार क्या करते हैं, पहले तो कैश विड्रॉ करते हैं हम लोग। यार ये साउंड तो तुम्हारे भाई का दिल खुश कर देता है सच में। अभी कहाँ रह गया यार, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, थोड़ी जहाँ सुन से दो दो बार कौन कर रहा है, आ जा मेरे दोस्त। ए 1 2 3, ये नाराज है क्या मेरे से, इतना क्या ये टाइम ले रहा है भाई, अरे आओ, चलो मैं जा रहा हूँ, मत आओ जाओ, आ जा यार, अभी भी नहीं आया। योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीट, प्लीज कलेक्ट योर कैश। यस भाई, नारियल पानी पीना तो हमारे लिए ज़रूरी हो चुका है। ये देखो भाई साहब का डिज़ाइन में काट रहे यार, तो हम लोग अभी यहाँ पे नारियल पानी पियेंगे, फिर जाते हैं अंदर अपने काम के लिए यार। चुका था नमाज का वक्त, तो हम लोग चले गए थे नमाज पढ़ने के लिए, और फिर वहाँ से आते जाते यार हमने सोचा कुछ खा लेते क्योंकि हल्की फुल्की सी भूख लगी थी। तो हम शोरमा खाने आ गए भाई, शोरमा खाएंगे। और आप लोगों ने नोटिस किया मेरे बालों में कुछ और थोड़ा सा भी डिफरेंट नज़र आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ भाई कि मसला ऐसा है कि हमारे बालों में हमने कलर कराया है, पता नहीं कैसा। हमारी बड़ी बहन ने कहा कि भाई तुम ये ट्राई करके देखो, हल्का सा कलर आएगा, मेरे को तो नहीं पसंद, वो सब मैंने कभी कराया भी नहीं है, तो मैं नहीं, उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, इतना हाईलाइट हल्का सा रहेगा बस, मतलब चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। तो ये देखो, देख रहे हो हल्का हल्का सा नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हो भाई कैसा लग रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, पर नया नया है ना तो मेरे को अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं बाद में कैसा लगता है भाई, जब दोपहर में धूप में देखेंगे तब कैसा लगता है। तो अभी हम लोग यार शोरमा खाते हैं और वापिस से जाते हैं अपने काम पर। जाके हमारा काम खत्म हुआ है भाई, हम लोग अब क्या ऑन मारते हैं।
तो अब जाके हमारा काम खत्म हुआ है, हम लोग अब फ्री हुए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर। घर पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर हमारे भाई को बुलाते हैं। भाई दोस्त हमारे कब से याद कर रहे हैं, मतलब भाई कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। तो अभी हम लोग यार थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर भाई को बुलाते हैं, फिर मिलते हैं उनसे। भाई यहाँ पर हमारी लाइट जो है फ्यूज हो गई थी और उसको बनाने के चक्कर में भाई साहब ने सीलिंग ही तोड़ दी यहाँ पे। सही है यार, एक और मसला बढ़ा दिया भाई साहब ने। तो भाई मैं और भाई साहब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे लेमन टी पीने के लिए। बहुत दिनों के बाद कहीं जाते हैं, आराम से बैठ के खड़े होके भाई लेमन टी पीते सुकून से। तो लेमन टी पी रहे हैं, बातें शातें हमारी चलते जा रही है। यहाँ खड़े खड़े हमको पता है ये हमारी दूसरी लेमन टी है, बात करते करते हम लोग पी रहे हैं भाई और बातें करे जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करने के लिए, और आप से मिलेंगे इंशाल्लाह अगली व्लॉग में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे इस व्लॉग को देखने के लिए। अगर आप सभी का मेरे को पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।